क्रूड ऑयल में आ गई डरावनी ब्रेकिंग न्यूज़ गाइस, बहुत बड़ी न्यूज़ आई है क्रूड ऑयल से रिलेटेड। आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरह की न्यूज़ आई है गाइस, तो मैं इस वीडियो के दौरान आपको बताऊंगा कि वो क्या न्यूज़ है। तो वेलकम यू ऑल, दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और जरूर दबा लेने का। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या बात करने वाले, क्रूड ऑयल के इंट्राडे लेवल्स क्या रहेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लेवल्स क्या रहेंगे, पोजिशनल ट्रेड लेवल्स क्या रहेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे बेस्ड ऑन न्यूज एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशंस, उनके सेंटिमेंटल इफेक्ट क्या पड़ेंगे आपके टेक्निकल चार्ट के बेसिस, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एंड द रिस्क मैनेजमेंट। तो कंप्लीट स्किल सेट एंड नॉलेजफुल वीडियो होगा गाइस ये, साथ में आपको बेस्ट लेवल्स मिलेंगे, उन्हीं से हम लेवल जनरेट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, यहाँ पे किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद अपने आप से ट्रेड करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए हमारी बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है। तो सबसे आ जाते हैं फटाफट से, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है गाइज, क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंट गाइज। मैं न्यूज इतना, काफी लोग बोलते हैं सर आप इतना न्यूज क्यों बता दें, क्योंकि आपका ही ऐसा एक चैनल है जहाँ पे न्यूज के बारे में बताया जाता है और फिर टेक्निकल चार्ट बताया। बाकी हमने तो दूसरे ऐसे ही देखे हैं वीडियो जहाँ पे सिर्फ कैंडलस्टिक में लोग लगे पड़े रहते हैं, राइट, गुड, अच्छी बात है, कैंडलस्टिक में लगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप समझिए मैं इस चीज को, आप किसी बिजनेस में होते हैं, मैं बोलता हूँ कि अगर आप कोई कपड़े का माल खरीद रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होना नहीं चाहिए कि कपड़े का माल कहाँ सस्ता मिलता है, सिर्फ आपके स्टेट का ही नहीं, आपको पूरे, क्योंकि देखो आपका जो यूनियन है कपड़े का वो ऑल ओवर इंडिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के किस यू नो स्टेट में क्या रेट है क्या नहीं है, राइट, पता होना चाहिए ना, क्योंकि वो आपकी रेट को प्रभावित करती है, राइट। उसी तरीके से गाइस, व्हेन यू ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल एक्टिविटी, दिस इज अ इंटरनेशनल फिनोमेना, इफ यू टॉकिंग अबाउट द क्रूड ऑयल नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, यहाँ पे अगर आप करते हैं तो आपको उस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, वहाँ की नॉलेज, वहाँ की न्यूज का आपको नॉलेज होना चाहिए, उसके बिना कुछ नहीं, क्योंकि वही सब कुछ तो हमारा मार्केट ड्रिवन कर रहा है। तो मेक सेंस और नॉट, राइट, इसीलिए मैं करता हूँ। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। देखिए ये चीज पहले भी आई थी एक न्यूज कि वेनेजुएला सस्पेंड ऑल एक्सपोर्ट, पहले क्या न्यूज आई थी कि स्टैंडर्ड असेट्स वगैरह हैं, मतलब बेसिकली क्या हो रही है वहां पे, कभी तो चोरी हो जाती है, कभी जो क्या कहते हैं बाकी के जो इक्विपमेंट है पड़े पड़े खराब हो रहे हैं, स्टैंडर्ड असेट्स यू नो, तो वेनेजुएला ने क्या किया, इन सबको हटा के सस्पेंड ही कर दिया, ऑयल एक्सपोर्ट ही सस्पेंड कर दिया। तो वेनेजुएला जो अभी ऑयल एक्सपोर्ट में, आपको यहाँ हिंदी में भी अनुवाद करूंगा, पहले पढ़ लेते हैं। देखो वेनेजुएला पीडीवीएसए सस्पेंडेड मोस्ट ऑफ द ऑयल कॉर एक्सपोर्ट फॉर अ रिव्यू ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म दैट विल बी कंडक्टेड अंडर द न्यू हेड ऑफ द कंपनी। द रिव्यू एम्स टू मेक श्योर दैट देयर विल नॉट बी पेमेंट डिफॉल्ट्स रीयूटर्स नॉट दैट सिंस द इंपोजिशन ऑफ यूएस सैंक्शंस ऑन द ट्रेड इन वेनेजुएला द पीडीएसए टू रिसोर्ट टू द मिडलमैन टू मार्केट इट्स ऑयल एंड दिस हैज क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन विद पेमेंट्स। आप समझ रहे हैं ना क्या होगा वेनेजुएला, अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता, देखो अब यहाँ पे पॉलिटिक्स आ गई ना, अब आपको वेनेजुएला के बारे में नहीं पता है, तो वेनेजुएला पे लगे हुए थे यूएस के बहुत सारे सैंक्शंस जो अभी भी हैं। तो अब वेनेजुएला क्या करता है, जहाँ पे सैंक्शंस लगे होते हैं वो डायरेक्टली किसी के साथ ट्रेड नहीं कर सकता, वेनेजुएला तो करना चाहता है लेकिन दूसरी कंट्रीज उसके साथ नहीं करती, क्योंकि उनको भय रहता है यूएस का, आप समझ रहे ना। तो उसके चक्कर में वेनेजुएला क्या करता है, किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देता है और वो उनको सेल करते हैं ऑयल, और वो फिर ऑयल अपना ऑयल आगे सेल करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, जैसे रशिया वाला केस नहीं, रशिया पे सैंक्शंस लगे हुए, तो रशिया से इंडिया क्या करता है, इंडिया बाय करता है, चाइना बाय करता है, और फिर वही तेल को वो ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं, बट डायरेक्टली कोई रशिया से नहीं ले सकता, इंडिया चाइना लेते थे क्योंकि उनके पास ये लायबिलिटी थी, उनके पास ये ऑप्शन था कि वो ले सके, क्योंकि वो यूएस के जो प्रतिबंध उनको नहीं मानते थे, उसी हिसाब से वेनेजुएला। तो लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है, जब वो थर्ड पार्टी को देते हैं तो वो या तो जमाखोरी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और या फिर टाइम टू पेमेंट नहीं हो पाता है, ठीक है, ब्लैकमेल, काफी सारी चीजें हो जाती है यहाँ पे, जो बहुत सारा करप्शन हो जाता है, उसके चक्कर में वेनेजुएला परेशान हो गया और उसने अपना ऑयल एक्सपोर्ट सस्पेंड कर दिया, अनटिल लेस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल ना हो, क्या हो, जब तक प्रोसेस बहुत सीधा नहीं हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि देखो हमें, हमारे पास ये ऑप्शन थे क्रूड ऑयल के रशिया के बाद कि वेनेजुएला आ जाएगा, अब सिर्फ सऊदी अरब ही रहा, ईरान पे भी सैंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से एक ये तो मैसेज जाता है कि फिर से डिमांड बढ़ सकती है थोड़ी बहुत मार्केट में, एक कम से कम दो तीन दिन के लिए तो ये मैसेज जाता है इस न्यूज से। अगली न्यूज बता देते हैं, देखिए ओपेक एक्सपांड्स कंट्रोल ऑफ ऑल मार्केट एज शेल ग्रोथ स्टॉल्स, द यूएस शेल में ओनली 5 लेक्स बीपीडी इन 2023, ये उनकी कैपेसिटी है। अ नंबर ऑफ फैक्टर्स फ्रॉम द लेबर शॉर्टेज टू लैक ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल टू एक्जर्शन ऑफ सीड स्पॉट कंटेंट द यूएस शेल पेज। तो देखिए यहाँ पे अब ओपेक क्या करेगा, ऑयल मार्केट पे अपना कंट्रोल कैसे करेगा, क्योंकि देखो यूएस ने बहुत कोशिश की है, क्योंकि देखो रशिया में जो प्रतिबंध लगे थे, तो आपको पता है कि क्या किया था रशिया में प्रतिबंध लगने के बाद, इट वॉज द यूएस हु वॉज कीप एक्सपोर्टिंग यूरोप,
ऑयल हो या नेचुरल गैस हो, क्योंकि खुद भी प्रोडक्शन करता है अमेरिका अच्छा खासा, राइट। तो उसने काफी ज्यादा किया, लेकिन उसके पास भी एक कैपेसिटी है, क्योंकि रशिया सिर्फ यूरोप को ही नहीं, काफी दूसरी कंट्रीज को भी करता था, राइट। और अब सऊदी के साथ भी प्रॉब्लम हो रही है यूएस की, तो अब ओपेक क्या चाह रहा है कि अपना कंट्रोल ऑयल मार्केट को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो गया यकीन माने तो दोस्तों मार्केट में, क्योंकि देखो ओपेक एक समूह है जिनका मेन काम है ऑयल को एक्सपोर्ट करना, उनका एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का रेवेन्यू वहां से आता है, तो अगर इनके कंट्रोल में आ गया गाइस फुल्ली, तो मुझे लगता है कि फिर तो मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि यही सप्लाई और डिमांड को के साथ खेलते हैं, राइट, ठीक है ना। यही सप्लाई बनाते हैं, यही डिमांड बनाते हैं, यही सब कुछ करते हैं, राइट। तो फिर तो डिमांड बनने वाली, तो ये सारे संकेत अभी फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि फॉर दिस वीक यहाँ पे आपको बुलिश होने के संकेत दे रहे हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे क्रूड के, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अभी जो दिख रहा है, हमने पहले भी शायद मैंने 6520 में बोला था, तो 6600 के थे, तो वो तो हमारे जो लेवल्स थे वो हिट हो गए हैं, राइट। जो हमने एजुकेशन, हमारी जो एजुकेशन है उसका पूरा यूज़ किया, और उसके बेसिस पे जो लेवल निकले थे अकॉर्डिंग टू द टेक्निकल चार्ट एंड द न्यूज़ एनालिसिस, वो हिट हो गए। अब आके फर्दर क्या होगा, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे अगर किसी ने मेरे हिसाब से यहाँ से वापस से 6620 को अगर ये क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट इट डेफिनेटली 6700। एंड अभी इसकी जो एक्सपायरी है, एक्सपायरी से पहले पहले मुझे ऐसा लग रहा है, एक्सपायरी से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 6700 के आसपास आने के इसके चांसेस हैं, काफी ज्यादा चांसेस इसके हैं। और अभी जो भी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से मुझे थोड़ा बुलिशी लग रहा है। तो नीचे की साइड बता देता हूँ, नीचे की साइड यहाँ पे आप देखिए, नीचे की साइड यहाँ पे आपको बन रहा है 6500 के नीचे, 500 के नीचे भी नहीं मेरे हिसाब से, तो 6480 के नीचे बन रहा है, इससे नीचे कोई लेवल नहीं बन रहा। 6480 के नीचे जाता है तो आपको शायद वापस से 6400 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए मिल सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि 6420 भी रेजिस्टेंस है, तो नीचे के लेवल्स बहुत कम है, अगर आएगा तो कम से कम पहले 6480 आना चाहिए। तो ये तो हो गए हमारे इसके इंडियन मार्केट के। अब मैं इंटरनेशनल मार्केट के लेवल्स बताता हूँ आपको। यहाँ पे 81.09 है, देखो इसके भी हमारे हो गए, कल हमने बोला था कि 80.20 पे आपको 81 के लेवल्स मिल जाएंगे, जो आज आपको नजर आ गए हैं, हमने ग्रुप में बोला था, राइट। तो गाइस यहाँ पे अब जो दूसरे लेवल्स हैं वो मुझे लगता है कि ये जब 81.30 को क्रॉस करेगा, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है 82.5 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए इजीली दिख सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो और अभी ये मुझे बुलिश लग रहा है फिलहाल के लिए अभी मार्केट, ठीक है ना। हालांकि मैं डेली वीडियो बनाता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल किया है, घंटी बजा के ऑल दबाया है, तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहेंगे, डेफिनेटली मिलते रहेंगे। तो कल भी वीडियो बनेगा तो कल भी पता चल जाएगा, आज लाइव सेशन भी होगा, गाइस, ठीक है ना। तो काफी चीजें बताई जाएगी आपको, क्योंकि न्यूज मोमेंटम आते रहते हैं, रोज मोमेंटम आते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो उसके बारे में बताएगा। तो ये तो मैंने ऊपर के लेवल्स बता दिए, नीचे अगर ये 80 के नीचे जाता है तो वापस से आपको 79 के लेवल्स यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। तो जाते जाते वापस से डिस्क्लेमर देता हूँ, दिस चैनल इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, यहाँ पे किसी भी तरह की बाइसेल की रिकमेंडेशंस नहीं दी जाती। अगर आपको कोई ट्रेड करना है तो या तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, या खुद अपने आप से ट्रेड करें। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइजर, आई एम नॉट सर्टिफाइड एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर। अगर आपको कोई ट्रेड करना तो आप खुद से करें, क्योंकि आपके प्रॉफिट लॉस के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। आप मेरी ओपिनियन ले सकते हैं अगर आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन द फाइनल डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। ज्यादा एक चीज गाइस, कोई भी मैनिपुलेटेड न्यूज, कोई भी अनऑथेंटिक न्यूज को मार्केट में स्प्रेड ना करें, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे लगता है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है यूट्यूब का, तो मुझे उससे एक अच्छा संदेश देना चाहिए। गाइस ध्यान रखिए, कोई भी न्यूज आती है पहले उसको जांचे परखे, जाने अनजाने में भी उस चीज को फॉरवर्ड ना करें, उससे बहुत सारी तकलीफ होती है, यू कांट इवन अंडरस्टैंड, बहुत बड़ा मैटर है वो, राइट। आजकल प्रॉब्लम ही सब यही है, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे आते हैं, ठीक है ना, हम जैसे लोग बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। गाइस दैट्स नॉट द वे, ध्यान रखिए, दिस इज वेरी वेरी सेंसिटिव मैटर गाइस। आपको ही नुकसान होता है यहाँ पे, बड़े इन्वेस्टर्स को नहीं होता, जो रिटेलर्स होते हैं उनको ही सबसे ज्यादा होता है। सो मेक श्योर यू आर टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ड्यूटीज, पहले जांचें परखें, उसी के बाद उसको अगर आपको लगता है कि वो कन्फर्म न्यूज है और आप चाहते हैं कि उसको फॉरवर्ड करें, तो आप कर सकते हैं फिर। ओके, विद दिस नाइसफुल एंड नोवल थॉट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।